नाम ही काफी, नाम ही काफी, नाम ही काफी। एक त्योहार है, एक त्योहार है। ट्रस्टेड आयुर्वेदा के साथ 8 नवंबर को रिलीज हो चुकी है कल फिल्म। सारे भाइयों से प्रार्थना है, बहनों से प्रार्थना है, परिवार वालों से, छोटे बड़े बुड्ढे खेड़े जो भी है, एक साथ चलकर फिल्म देखकर आओ। हमारी दादा लक्ष्मी, आपने शाहरुख खान की, सलमान खान की फिल्म तक ज्यादा मजा नहीं आवे तो मेरा नाम बदल के दे दियो। क्या छोरी देखांगे भाई, देखांगे दादा लक्ष्मी, देखांगे देखांगे भाई, देखांगे दादा लक्ष्मी, देखांगे। बाद हमने कोई फिल्म नहीं देखी तो ये बहुत बड़ी एक, और कईयों का ये भी कहना है कि हमने फिल्म नहीं देखी आज तक जिंदगी में, गामा में वो तो या दादा लक्ष्मी देखने आए हैं। तो एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको हर तरह की मनोरंजन मिलेगा, आइटम सॉन्ग नहीं मिलेगा, गंदे डायलॉग नहीं मिलेंगे, गाड़ियाँ नहीं हैं और सेक्स उसमें नहीं है और उसमें डबल मीनिंग नहीं है और इसमें क्या करें, फाइटिंग नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है। उसके बावजूद भी आप फिल्म देखना चाहो, एक साल से बच्चे से लेकर 100 साल के बुढ़े तक एक साथ परिवार में कभी आंख नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ के साथ देखो, छाती ठोक कर बोलो कि हमारी फिल्म है। इसलिए बोल रहा हूँ, दादा लक्ष्मी चंद को फिल्म में दर्शाया गया है, किन बातों का उसमें प्रमुखता से बताया गया? हाँ, इसमें दादा लक्ष्मी नहीं है। इसमें क्या है, दादा लक्ष्मी जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा सा ही है, शुरू में मैं मर जाता हूँ तो ये कहानी बैक फ्लैशबैक में चलती है। और 2.5 घंटे की फिल्म जो है, आधी फिल्म जो है वो छोटे बच्चे की है, 10-12 साल का बच्चा है योगेश वत्स जो बच्चे का रोल कर रहे हैं लक्ष्मी के, और बाकी जो इंटरवल के बाद की फिल्म है वो एक लड़का है हितेश जो बड़े उसका लक्ष्मी का, यंग लक्ष्मी का रोल कर रहा है। ये पूरी फिल्म उनके ऊपर है, दोनों के ऊपर। और मेरी जो कहानी आएगी असली दादा लक्ष्मी जिसके सांग थे, जिसकी वजह से आप जानते हो दादा लक्ष्मी के गीत, कविताई, ब्रह्म ज्ञान उसकी जो, वो सारा कि मैं पार्ट टू में आऊँगा। तो अभी पार्ट वन है ये, और इसके अंदर उसके बचपन के, उसके संगीत म्यूजिक के प्रति उसकी आग, पैशन, जुनून दिखाया गया है बच्चे का और लड़के का, और उसका स्ट्रगल दिखाया है कि उसने संगीत सीखने खातर के करार, के लोगों ने उसके साथ कराया और उसने बर्तन तक मांजे, खाना बनाया, कपड़े धोए, आटा गूंदा, उसने सारा किमें कराया है उसने सीखने खातर, और ये स्ट्रगल उसका दिखाया गया लेकिन ईमानदार सच्चाई के साथ, लेकिन उसके साथ के घटित हुआ वो इस फिल्म के अंदर। भाई एक दौर था जब गुलाबो, चंद्रावर, लाडो, संती और इस फिल्म में आई, फिर अब एक लंबा गैप हो गया बीच में, वो आपने रिसर्च किया होगा कि गैप की वजह क्या रही, आप फिर दादा लक्ष्मी लेके आई, ये बीच का गैप जो है और इस दादा लक्ष्मी के बाद का फ्यूचर है हरियाणा बीप सिंह की बात कर रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये चंद्रावल फिल्म में जिज्जा तू काला में गोरी गणी के जिज्जा है ये, और वो काला जिज्जा नहीं आया था तो इन्होंने ये प्रोडक्शन संभाल रहे थे पूरा, दादा लक्ष्मी का प्रोडक्शन भी इन्होंने संभाला है। और देखो, ये है राजस्थान में सवाई माधोपुर के रहने वाले गांव के रविंद्र राजावत, और ये हरियाणवी फिल्म के ऊपर पैसा लगाया इन्होंने, ये प्रोड्यूसर है हमारे। आप सोचो कितनी जुनून है, कितना वो है। तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, चंद्रावल, बहू रानी चंद्रावल पहली कमर्शियल फिल्में थी जो रिलीज हुई थी अच्छे से, बढ़िया से, कलर और सुमित्रा हुड्डा और उषा शर्मा जी की, उसने म्यूजिक उनका कमाल का आज तक कोई तोड़ नहीं, चंद्रावल का, बहू रानी का भी मन नहीं बुके बुला लिए मेरी माँ, और बटे हुआ लेवण ने, उसके बाद छैल गले जाएंगी, गुलाबो, जर जोरू और जमीन, महारा पिहर सासरा, बहुत सारी फिल्में आई, सांझी फिल्म ने बहुत कमाल का काम, ओमपुरी का गाना बड़ा फेमस हुआ है, कोई इस पागल बनावे तो मैं, कोई लैला बने, कोई मजनू बने, इसको पागल बनावे तो मैं क्या करूं। फिर लाडो फिल्म आई, उसका गाना बड़ा हिट होया, पानी वाली पानी प्यारे, राजेंद्र खड़किया जी का था, हाँ वो बड़ा हिट होया और वह फिल्म को पहली बार हरियाणा में नेशनल अवार्ड आया। उसके बाद जो आप बोल रहे हो ना गैप, उसके बाद आया है, उसके बाद सूखा पड़ गया बिल्कुल, गंदे गाने मेरे, मैं तो जब हरियाणा खोला करता तो चुटकले, गंदे गाने, डबल मीनिंग के डायलॉग, फालतू किलकारियाँ पे, मतलब कोई, हम गोवा में फिल्म भेजनी हो, हमने कहीं भी भेजनी हो, हम किसी ने बताने लायक नहीं थे कि हमारे पास के है, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फाइटर आई, मेरे ख्याल से वो पता नहीं चली कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं था हरियाणा में। फिर पगड़ी फिल्म आई, पगड़ी फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता, बलजिंदर कौर ने भी नेशनल अवार्ड लिया,
और पूरे 30 देशों में वो दिखाई गई, राजीव भाटिया और वंदना जी की जो पगड़ी फिल्म है, रवि चौहान जी ने भी कमाल करा था उसके अंदर। फिर उसके बाद सतरंगी फिल्म आई, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला, संदीप शर्मा की फिल्म थी पूनम और संदीप शर्मा जी की, उसमें मैंने भी रोल, दोनों में रोल कराया था। फिर उसके बाद छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती आई, देखो उसको भी नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन इन तीनों फिल्मों को ऑडियंस नहीं थी, ऑडियंस नहीं थी। तो अच्छी फिल्म बनावा तो उसका फायदा के योग थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही थी। फिर एक फिल्म आई संदीप बासवाणे की हरियाणा, उस हरियाणा फिल्म ने कुछ ऑडियंस बटोरी, कुछ ऑडियंस बटोरी और अच्छा, मतलब एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ ऑडियंस आ सके हरियाणवी फिल्मों में। फिर आई डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू में भी काफ़ी ऑडियंस आई क्योंकि गुलजार चलने वाला की अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो हरियाणा के अंदर दौर शुरू हो चुका पगड़ी के बाद, एकदम चेंज ओवर। और अब दादा लक्ष्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब एक ही दिन में कल में कितने हजारों लोगों ने देख ली है फिल्म। या तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हिसार में भी हाउसफुल, रोहतक में लगातार 5 शो, आर एन सिनेमा में 5 शो लगाए उसने एक ही हॉल में, 5 शो हाउसफुल। मैं कल वहाँ भी गया था, मैं भिवाणी भी गया था 10:30 बजे सुबह, और वहाँ भी हाउसफुल था और बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स है। कहाँ कहाँ गांवों से लोग आए, फरीदाबाद में हाउसफुल था, गुड़गांवा में हाउसफुल था, सोनीपत में हाउसफुल था, और यहाँ कैथल में हाउसफुल था, और एक दो जगह और भी रोहतक है, हिसार में तो बोल दिया, सिरसा में हाउसफुल था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पहला दिन 8 तारीख मंगलवार पंचायती चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी ऑडियंस आ गई, ये अपने आप में एक इतिहास है। अब इसकी माउथ पब्लिसिटी से आगे बढ़ेगी और आगे जाएगी फिल्म ऐसे। हाँ जी, टैक्स फ्री किया गया, हमने मांगा नहीं था, उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने खुद ही बोला इसको टैक्स फ्री करवाने की कोशिश करो, अगले दिन टैक्स फ्री का नोटिस आ गया हमारे पास। इससे फायदा तो पता नहीं मैंने हो रहा है, वो तो ऑडियंस बताओगी कि आपकी कितना, किसी में 2-4 रुपये कम हुए, किसी में 9 रुपये कम हुए, मेरे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। कैथल में भी अच्छा कम हुआ, 190 से 157 हो गया, 190 से 157 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कमा रहे, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 50 रुपये सर, एक टाइम था जब लोकल इंडस्ट्री से बॉलीवुड की तरफ जाते थे, अब सिर्फ हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि बाकी की जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, बॉलीवुड के एक्टर या प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो सब लोकल इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, वेब सीरीज हो, इसकी क्या वजह है कि बॉलीवुड की तरफ से मूव होना? बॉलीवुड में आपने बड़ी बड़ी फिल्में देख ली, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के हशरो है।